लगातार संसद का सेशन सत्र बढ़ाया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि क्या सरकार की मंशा है, और उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ ऐसे ऐसे बिल पास कराए जा रहे हैं जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट जोन पैदा करते हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे UAPA का मामला हो, मोटर व्हीकल को लेकर भी बहुत विवाद है, MNC को बिल को लेकर, मेडिकल जो बिल पास हुआ उसको लेकर विवाद है। मेरे साथ जावेद अली खान साहब हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या UAPA हो, इस पर अपनी बात रखी है। सरकार की क्या मंशा है, कश्मीर में अभी जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं क्या प्लानिंग हो सकती है, और क्या सचमुच संसद में भी जो विपक्ष के सांसद हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, कोई दबाव है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, नेशनल दर्शक पर स्वागत है आपका। सर, आपने ये ट्रिपल तलाक वाला जो पूरा बिल था, आप लोग की कोशिश थी कि आप लोगों ने अपनी बात रखी है कि कानून आप बना तो रहे हैं लेकिन इसमें वायसनेस है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें महिलाओं का उद्धार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अपने खास वैचारिक एजेंडे को लेकर के काम कर रही है, और वो एजेंडा है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को जलील करना, इस देश के पिछड़े वर्गों को और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को तबाह करना, बर्बाद करना। तो उस एजेंडे के चलते वो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मतलब हम लोग बेवजह विरोध कर रहे थे उसका। वो कहीं से भी इन वर्गों को, दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति के लोग, इन्हें सरसब्ज होते हुए नहीं देखना चाहते, उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनसे और कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती। सर, दबाव है अभी पार्लियामेंट में, जैसे लग रहा है हाईजेक करके रखा गया है, और सेशन का 15 दिन का सत्र बढ़ा दिया गया है, बिल एक पर एक आ रहे हैं, कोई स्टैंडिंग कमेटी में बिल नहीं जा रहा है, सिलेक्ट कमेटी में बिल नहीं जा रहा है, जो मन में आ रहा है वो पास करा रहे हैं। देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो नई सिलेक्ट कमेटी और नई स्टैंडिंग कमेटीज़ का गठन होता है। अब उन कमेटीज़ के गठन होने की तारीख होती है 31 अगस्त तक। अगर अभी कमेटी बनाते तो फिर वो 31 अगस्त के बाद दोबारा बनानी पड़ती। पिछली बार भी ऐसा हुआ और उससे पिछली बार भी ऐसा हुआ कि एक साथ ही 1 सितंबर से कमेटियों का गठन हुआ, और इस बीच में सरकारों ने दोनों सदनों से ये रियायत हासिल की कि बगैर स्टैंडिंग कमेटीज़ के हम बिलों को सीधे सदन के अंदर लाएंगे। लेकिन इस बार उस रियायत का दुरुपयोग किया जा रहा है जो सदन ने उनको दी। उसमें आम तौर पर होता ये था कि जो आम सहमति के बिल होते थे वो लाए जाते थे। जिन बिल्स पर जबरदस्त टकराव था पक्ष और विपक्ष के बीच में, उन बिलों को कभी ऐसे काल में नहीं लाया गया जबकि एक विशेष परमिशन लेकर के संसद के सदन को बिना स्टैंडिंग कमेटीज के चलाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इतनी जल्दबाजी में है कि वो एक एक करके सारे कंट्रोवर्शियल बिल्स 31 अगस्त से पहले पहले लाना चाहती है और उन्हें पास करवाना चाहती है। ताकि नया सेलेक्ट कमेटी में कब से पाला ही ना पड़े। हाँ, ताकि नई कमेटी में उन बिलों में कोई फेरबदल ना हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में संसद का काम इसी सेशन में पूरा कर लेना चाहती है, और फिर संसद पर ताला ठोंकने के चक्कर में है कि फिर संसद की आवश्यकता ही ना रहे और उनका कैसे एजेंडा पूरा देखते हैं हो आप जाए। लोग सर, ये सेशन बढ़ाया गया, पिछले सेशन को उन्होंने बहुत लेट शुरू किया, तो जो जो कायदे कानून है, जो नियम है, उनको भी ताक पर रखा जा रहा है बहुमत के बल पर। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय प्रक्रियाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कम से कम जनतांत्रिक प्रक्रिया हो, इस रास्ते पर चल रही है। ये तो इस देश का संविधान है, अंबेडकर जी का दिया हुआ, जिसकी मजबूरी के चलते
उन्हें कम से कम संसद में आना पड़ रहा है। जिस दल के लोग ये दावा कर दें कि हम 50 साल तक राज्य करेंगे, वहाँ सीधे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में और लोकतांत्रिक मान्यताओं में उनकी कोई आस्था नहीं होती। जावेद साहब, एक सवाल है मेरे मन में जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये जो UAPA बिल पास हुआ है, राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं है लेकिन फिर भी वो फ्लोर मैनेजमेंट तो कर ले रहे हैं, उसमें किसी भी शख्स को आतंकवादी वो ठहरा देंगे, घोषित कर देंगे, इसका किस तरह का खतरा देखते हैं आप? देखिए, हम लोगों ने उस UAPA बिल का पुरजोर विरोध किया था और हम लोगों ने उसके खिलाफ वोट भी किया। कांग्रेस पार्टी ने भाषणों के दौरान उस बिल का विरोध किया, लेकिन जब वोटिंग हुई उस बिल पर तो अचानक पूरी कांग्रेस ने UAPA बिल के पक्ष में वोट किया। और ये हम लोगों का हमेशा से मानना रहा है कि सांप्रदायिकता के सवाल पर कांग्रेस पार्टी हमेशा कमज़ोर साबित हुई है और सांप्रदायिक शक्तियों से उसने समय समय पर हाथ मिलाया है। इस बार जो UAPA बिल राज्यसभा के अंदर, मैं कह सकता हूँ कम से कम राज्यसभा के अंदर जो ये पास हुआ है, ये कांग्रेस की मेहरबानी से हुआ है। ट्रिपल तलाक में भी उनकी भूमिका थी? नहीं, ट्रिपल तलाक में तो कांग्रेस ने विरोध किया था। हाँ। जो बात सही है वो कहनी चाहिए। हाँ। ट्रिपल तलाक में कांग्रेस ने विरोध किया था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने और दूसरे तरीके जो बिल को पास करवाने के लिए होते हैं शायद उसने वो अपनाए, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियाँ पूरी की पूरी या तो सदन से बहिष्कार कर गई या अपनी परंपरागत नीति के खिलाफ जा कर के उन्होंने लास्ट मोमेंट पर वोट दिया। सर, आपके कलीग हैं आजम खान साहब, उन्होंने वहाँ तालीम के इदारे कोशिश की खड़ी करने की, वहाँ जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हो रहा है, फिर संसद में जिस तरह से हुआ, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थ्रीट में है, फियर में है, डर में है? देखिए, जो डरते होंगे वो डरते होंगे। आदम खान साहब तो भारतीय जनता पार्टी से कभी डरते नहीं हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है ये बात सत्य है, और हमारी पूरी पार्टी आदम खान साहब के साथ खड़ी हुई है और हर जुल्म ज्यादती का जो उनके साथ हो रही है उसका हम विरोध करेंगे। संसद के अंदर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मोर्चा लिया, मैदान में भी आसपास के जनपदों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामपुर कूच किया था। 9 अगस्त को जो पूरे प्रदेश में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाएंगे, उस अवसर पर भी हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर आजम साहब के और उनके विश्वविद्यालय को तबाह करने के जो सवाल हैं उनको हम बड़ी प्रमुखता के साथ उसके अंदर उठाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। एक जो लाइन बड़ी मोटी खींची जा रही है, जिस तरह से राज्यसभा में आपके पार्टी के भी दो लोग BJP में जा रहे हैं, कांग्रेस के भी जा रहे हैं, TDP के भी जा रहे हैं, तो क्या इसको हम सवर्ण एकजुटता कहें? जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सवर्ण एकजुटता है वो बनता दिख रहा है, और SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को खासकर क्या सबक लेनी चाहिए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की हितैषी पार्टी तो मानता हूँ, लेकिन मैं इस गलत फहमी में नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सिर्फ सवर्ण ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कारीगरी से अपने आधार को गैर सवर्ण वर्गों में, विशेषकर पिछड़े वर्गों में और अनुसूचित जाति और यहाँ तक के अनुसूचित जनजाति के वर्गों में भी अपनी पैठ बढ़ाई है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता या इस देश के अंदर कमज़ोर तबकों के हक में खड़े होते हैं, उन लोगों के सोचने के लिए ये बहुत संगीन वक्त है और बहुत गंभीरता के साथ उन्हें सोच करके अपनी रणनीति फॉर्मुलेट करनी चाहिए। जब सब क्या लग रहा है, मुस्लिम समाज को अलग थर लग करके BJP राजनीति कर रही है, उसमें कामयाब भी हो रही है,
और एक बड़ा तबका इस देश की 25 करोड़ आबादी को जानबूझकर ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, वो भी मजहब के आधार पर, जैसे SC ST को जाति के आधार पर किया जाता है। देखिए, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से, जनसंघ के वक्त से, और कहिए कि 1925 में RSS की स्थापना के समय से वो टारगेट करती रही है। और RSS या जब उस ज़माने में हिंदू महासभा थी तो वो मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियों से समझौते भी करती रही है, लेकिन अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करना, उन्हें निशाने पर रखना और बहुसंख्यक वर्ग के अंदर इस बहाने सांप्रदायिककरण करना, ये उनकी परंपरागत नीति रही है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ हैं, विभिन्न दल हैं जो धर्मनिरपेक्षता का दावा करते हैं, उन्हें बड़ी गंभीरता से इन सवालों को लेना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक दल विशेष को नहीं कह रहा हूँ इस वक्त, सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ इस मामले में पिछड़ गईं और भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में कामयाब हुई है। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता है, वक्त बदलता है, लोगों की सोच बदलती है और इस देश की जो परंपराएं हैं उनके आधार पर मुझे ये पूरा यकीन है कि धर्मनिरपेक्षता ही भारत का मूल सिद्धांत रहेगा और सांप्रदायिकता और सांप्रदायिककरण करने के जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हैं, आगे चल करके उन्हें निराशा ही हाथ लगेगा। क्या लग रहा है, संविधान अब सचमुच किताब के तौर पर देखा जाएगा? और अमित शाह के बारे में क्या प्रेडिक्शन है, जब से वो गृह मंत्री बने हैं और जिस तरह के जो फेसबुक यूनिवर्सिटी टाइप के फैसले हो रहे हैं, चाहे वो 370 हो, 35A हो, और पूरे राजनीति को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और कांग्रेस सत्ता में होती है तो वही सब करती है, और जैसी सत्ता से बाहर होती है, अब तो वो भी प्रो मुस्लिम सत्ता से बाहर होने के बाद भी दिखने की कोशिश नहीं कर रही है। तो क्या एकदम साफ हो गया है कि इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके राजनीतिक अधिकार एकदम बिल्कुल से ख़त्म होते दिख रहे हैं, क्योंकि उनमें वोट को देने को लेकर? देखिए, जब हिंदू राष्ट्र बनाना है, यदि ये उनका लक्ष्य है जो है वास्तव में, और जो अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है, अभी तक न तो RSS की तरफ से, न BJP की तरफ से, न किसी और उनके सहयोगी की संगठन की तरफ से इस संबंध में कोई डिनायल नहीं आया है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हैं। तो जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को और पिछड़े वर्गों को वो मध्यकालीन दौर में उन्हें ले जाना पड़ेगा, बल्कि उससे भी पहले का जो युग था। लेकिन सर, आप जैसे जो नेता हैं जो राजनीति में भी सामाजिक आंदोलन पढ़े लिखे भी हैं, ये समाज आर्थिक रूप से भी वंचित है, सामाजिक रूप से भी वंचित है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? एक लड़ाई जो है उसको छोड़ दिया जाएगा, या वो तमाम, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चाहे वो GMM हो, चाहे करुणानिधि के बेटे स्टालिन हो, लालू जी जेल में हो, उनके लड़के हों, ये लोग एकजुटता हो सकती है, सड़कों पर निकल सकते हैं? देखिए, अगर देश के अंदर सामान्य लोकतंत्र रहता तो जिन नेताओं के नाम आप ले रहे हैं उन्हें अपनी गतिविधियां या अपने समर्थक वर्गों के पक्ष में काम करने में आसानी होती। आज हमारे देश में लोकतंत्र नाम मात्र के लिए रह गया है, क्योंकि सत्ता में जो ताकतें बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र इनका बुनियादी सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये हर प्रकार की कोशिश करेंगे कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने की जो शक्तियां भी, जो राजनीतिक दल भी, जो नेता भी काम करेंगे या उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, ये उन पर हर प्रकार के हमले करेंगे। ये आपको एक संसद में भी ये चीज़ महसूस हो रहा है, एक सांसद होते हुए, कि संसद में भी अनडेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ें हो रही हैं? देखिए, अभी की जो स्थिति है उसे मैं टेक्निकली अनडेमोक्रेटिक नहीं कह सकता, लेकिन
स्टैंडिंग कमेटीज़ को बाईपास करके या सिलेक्ट कमेटियों के गठन पर सहमत न होकर के रात को 10 बजे लिस्ट ऑफ बिजनेस में अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिलों को शामिल करके सुबह 11 बजे से उस पर बहस शुरू करवा के, ये सब ऐसे और बहस भी काम होती है, उसको बिल को संशोधन के लिए नहीं लिया जा रहा है। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये सब ऐसे काम हैं जिनसे साफ साफ ये लग रहा है कि अब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और घोर अलोकतांत्रिक स्थिति की तरफ देश को ले जाने की कोशिश की जा रही है। दो छोटा छोटा सवाल है सर, और आपकी आपकी पार्टी के भी सांसद बीजेपी में जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम इस बात पर जाहिर है कोई प्रसन्न होने की स्थिति तो है नहीं, और हमारे लिए ये शर्मिंदगी का वक्त भी है कि अगर हमारी पार्टी छोड़ करके कोई जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज राजनीति में जिस रास्ते से लोग आ रहे हैं या जिन रास्तों से लोग आ रहे हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है उस रास्ते पर कि वो राजनीति में कहाँ से आए हैं। अगर कोई अपने धन दौलत को संरक्षित करने के लिए राजनीति में आया है तो उसकी प्रायोरिटी फिर राजनीति की ही होती है, सत्ता की होगी। कोई अपने बाप को का नाम रोशन करने के लिए सिर्फ राजनीति में है तो उसका मकसद दूसरा कुछ होगा। लेकिन जो लोग आंदोलनों से निकल करके अपनी मेहनत मशक्कत के दम पर किसी स्थान पर राजनीति में पहुंचे हैं, वो बहुत आसानी से अपनी पोजीशंस को नहीं बदलते हैं। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल कायम कर देगी इस देश के अंदर कि राजनीति में जो लोग आएंगे विरोधी दलों के, वो संघर्ष के रास्ते से ही आएंगे, तो मैं बहुत सुखद और अच्छी स्थिति की कल्पना कर सकता हूँ। पूरा जो यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आप यूपी से हैं, सेंगर साहब का जो पूरा विवाद है, क्या लग रहा है कि अब बिल्कुल SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए न्याय की उम्मीद, और वो तो जनरल कैटेगरी से थी, एकदम लॉ एंड ऑर्डर, मतलब क्या क्या लगता है आपको आगे क्या रास्ता बचा है? उत्तर प्रदेश के बारे में तो इस वक्त बात करना ही बेकार है क्योंकि वहाँ राज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हम जंगल राज को बहुत ख़राब मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अगर जंगल राज से भी ज़्यादा ख़राब कोई राज हो, और मैं तो कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर राक्षस राज है, असुर राज है, इसने जंगल राज की भी सब सीमाएं लांघ दी हैं। वहाँ कोई भी, आप तो माइनॉरिटी बैकवर्ड SC ST की बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान, भले ही वो सवर्ण वर्ग से क्यों ना आता हो, अगर वो कमज़ोर है तो उसे किसी को भी न्याय मिलना आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर संभव नहीं है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और जब उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार बनी थी तो बहुत शोर मचाया गया था कि 4 फीट नीचे ज़मीन के चले जाएंगे, कब्रिस्तान में चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके चले जाएंगे, बहुत सारे झूठे सच्चे एनकाउंटर्स भी किए गए, लोगों को पकड़ पकड़ के मारा गया, लेकिन फिर भी अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में गिर नहीं रहा है क्योंकि जब सैया कोतवाल हो गए हैं तो फिर डर नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अपराध बढ़ रहा है? देखिए, अपराध तो स्टेट स्पॉन्सर्ड भले ही ना हो, लेकिन स्टेट के छत्र छाया में तो ज़रूर है। ये जावेद अली साहब हैं जिनका भाषण आपको ज़रूर सुनना चाहिए, नेशनल दस्तक पर भी लगा है, जिन्होंने संसद में कहा है, और ऐसे वक्त में सचमुच जब पत्रकार खामोश हैं, जब इस देश का सिविल सोसाइटी खामोश है, संसद में भी एक खामोशी का माहौल है। जावेद अली साहब लगातार बातचीत कर रहे हैं आपके तमाम मुद्दों पर, और इसलिए मैंने तय किया था कि अगर जावेद अली साहब से की और बाकी मुद्दों पर क्या रहा है उसे आपको रूबरू कराया जाए। शुक्रिया एक बार फिर से हमसे बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।